नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। भारत में धड़कते परिवार के कारण अदालत को भी कई बार कठोर टिप्पणी करनी पड़ रही है। तलाक लेने के लिए दंपत्ति एक दूसरे पर किस हद तक नीचे गिरकर आरोप लगाते हैं, ऐसा एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट में आया। दिल्ली हाईकोर्ट में एक दंपत्ति के बीच तलाक का जो मामला आया, उसमें निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अपने जीवन साथी पर झूठे तलाक लेने के लिए नपुंसकता का आरोप लगाना क्रूरता के समान है। इस मामले में पत्नी ने पति पर आरोप लगाया था कि वह यौन संबंध बनाने में असफल रहता है और इसीलिए मैं उससे अलग रह रही हूं। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पति के वकील की इस दलील को स्वीकार किया कि पत्नी द्वारा लिखित बयान में लगाए गए आरोप उस व्यक्ति की छवि पर प्रतिकूल असर डाल रहे हैं, उसकी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर रहे हैं। यह उचित नहीं है, यह क्रूरता की श्रेणी में है। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संजीव नरोला की पीठ ने कहा, इस विषय पर कानून को देखते हुए हमें निचली अदालत के निष्कर्षों और टिप्पणियों में कोई कमी नजर नहीं आती कि पत्नी के लिखित बयान में नपुंसकता से संबंधित आरोप स्पष्ट रूप से कानून के तहत परिभाषित क्रूरता की अवधारणा में आते हैं। यह बहुत बड़ी टिप्पणी है, क्योंकि तलाक लेने के लिए इस तरह के ओछी हरकतें जो है वो पति पत्नी की गरिमा को तो गिराते ही हैं, साथ ही जिस पर आरोप लगाया जाता है उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति भी बहुत दयनीय हो जाती है। उच्चतम न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक देने की पति की याचिका पर निचली अदालत के आदेश के खिलाफ महिला की अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया। गौरतलब है कि इस मामले में इस दंपत्ति का विवाह जून 2012 में ही हुआ था। महिला की यह पहली शादी थी, परंतु पुरुष तलाकशुदा था। पति ने भी एक आरोप लगाया था। पति ने इस आधार पर शादी को समाप्त करने की गुहार लगाई थी अदालत से कि महिला कथित तौर पर यौन संबंधों में रुचि नहीं रखती है और विवाह के लिए उसकी अनुमति महिला की कथित मानसिक अवस्था से संबंधित तथ्यों को छिपाकर उसकी अनुमति ली गई थी। यानी महिला की मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी, वो उसे छूने नहीं देता, यौन संबंधों में उसकी कोई रुचि नहीं है और इस तथ्य को छुपाकर उसका विवाह कराया गया था। ये भी आरोप थोड़ा सा अदालत में निंदनीय ही कहूँगा, लेकिन उसने ये आरोप लगाया था। व्यक्ति ने कहा कि यदि उसे इस बात की जानकारी होती तो वह विवाह के लिए कभी राजी नहीं होता। और मैंने समाज में कई ऐसे विवाह देखे हैं जो पुरुष भी और महिलाओं की तरफ से भी सच को छुपाकर कई मामले में विवाह किए जाते हैं और ये विवाह कई बार टूटते हैं, अधिकतर बार टूटते हैं। एक केस तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि लड़का को कहा गया कि लड़का नौकरी पेशा है, बैंक में काम करता है, विवाह हो गया, रोज़ वो 10 बजे निकलता था, शाम 5-5:30 बजे आ जाता था। पत्नी को शक हुआ कि एग्जैक्ट टाइम पर वो ये कैसे पहुंचता है। उसने एक दिन पीछा किया और देखा कि पति रोज़ 10 बजे निकलता है टिफ़िन लेके, एक पार्क में जाता है, वहीं दोपहर का भोजन करता है, पार्क में लेट कर अखबार पढ़ता है, 5-5:30 बजे घड़ी होता है वो चल देता है। बाद में पता चला वो कहीं भी नौकरी नहीं कर रहा है। विवाह जब झूठे धरातल पर होंगे तो ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप के छींटे अदालत तक पहुँचेंगे। उस मामले में महिला ने अपनी प्रतिक्रिया में फिर आरोप लगाया था कि उसका पति नपुंसकता की समस्या से पीड़ित है और विवाह नहीं चल पाने का असली कारण वह स्वयं है। इसके अलावा उसने सास ससुर पर दहेज की मांग करने, झगड़ा करने का आरोप भी लगा दिया। यानी उसने सारे वो आरोप लगाए जिसमें गुंजाइश कम ही है उसके निकलने का, नपुंसक है, सास ससुर झगड़ालू है, फिर वो दहेज मांगते हैं वगैरह वगैरह। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि दहेज मांगने के साथ ही ससुराल वाले उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। उसके पति ने सास ससुर के सामने ही उसे बुरी तरह से मारा पीटा भी। यानी सारी धाराएं उसने लगवा दी उस अपने पति पर।
महिला ने उच्च न्यायालय से निचली अदालत के तलाक मंजूर करने के आदेश को रद्द करने की मांग की तथा वैवाहिक अधिकार बहाल करने की मांग की और कहा कि वह इस वैवाहिक गठजोड़ को बचाना चाहती है, महिला नहीं तोड़ना चाहती थी विवाह, ऐसा वो कह रही थी। इस पर उच्च न्यायालय ने कहा कि महिला के आरोपों को निचली अदालत ने विशेषज्ञ की गवाही के आधार पर खारिज कर दिया, यानी महिला झूठी पाई गई इसमें, और इसीलिए विशेषज्ञ के गवाही के आधार पर निचली अदालत ने महिला के आरोप को खारिज किया था। और हाईकोर्ट ने कहा कि महिला ने इस पूरी मुकदमेबाजी के दौरान नपुंसक होने के आरोपों को बार बार दोहराया है और इस झूठे आरोपों को, जो कि साबित नहीं किया जा सका, के कारण व्यक्ति को गहरी चोट और पीड़ा पहुंचती है। कोर्ट ने कहा ऐसे में दोनों को साथ रहने के लिए कहना खतरनाक होगा। जब पुरुष नपुंसक है, पति नपुंसक है, तो महिला साथ फिर क्यों रहना चाहती है? महिला यहीं झूठी साबित हुई। न्यायालय ने कहा कि यह भी स्पष्ट है कि झूठे आरोपों के कारण हुई मानसिक पीड़ा, दुख और कष्ट के चलते प्रतिवाद यानी पुरुष और अपील करता यानी महिला के आचरण को ध्यान में रखते हुए उनके साथ रहने के लिए कहा नहीं जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को झूठे आरोपों के परिणामों से बरी कर देने या इसे सनसनीखेज बनाने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है और इसलिए महिला के जो अपील को खारिज कर दिया गया। सवाल वही है, पुरुष अगर नपुंसक है तो महिला साथ क्यों रहना चाहती है? महिला का झूठ पकड़ा गया और ये एक क्रूरता की श्रेणी में आता है कि एक पति को, पुरुष को समाज के सामने झूठे, जिसे साबित वो नहीं कर पाई, झूठे आरोप लगाकर उसको नपुंसक साबित किया जा सके। टूटते परिवारों की, खासकर महानगरों में, ये एक दर्दनाक दास्तान है। धन्यवाद।